अखिल, आपका वजन बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि आप मुक्केबाजी छोड़ चुके हो, लेकिन जब आपसे कल बात हो रही थी, मैं ना खुश रहता हूँ इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। खुश तो रहते मुझे खुश रहने का सलीका पता लग गया इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। लेकिन अब हमने आपको उस दौर में भी देखा जब आप स्लीक और अपनी वेट कैटेगरी में, वो ओलंपिक की तैयारियां, वो भी हमने आपको देखा हुआ है। वो एक टारगेट होता था कि भाई मुझे उस वेट कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, जिसके लिए मैं अपना वेट मेंटेन करता था, साथ के साथ स्ट्रिक्ट डाइट है उसको फॉलो करता था, क्या खाना है क्या नहीं खाना है पूरा। मैं आपने वो दौर भी देखा कि मैं नाप के कितना पानी पीना है, कितना चाय पीनी है, मतलब चाय तो मैं पीता नहीं, कॉफी पीता था। तो ये सब चीजें मैं करता रहा हूँ। जो मसला भी आपके सामने चल रहा है, आपको भी काफी कॉल्स आए कल, हम भी बात वैसे फोन पे कर रहे थे, आज सबब बना मिलने का। विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम रह गया और वो डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ा, इंडिया पदक की दौड़ से बाहर, हालांकि अपील की हुई है कि सिल्वर मेडल मिल जाए। अखिल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने जितना करियर आपका देखा, आपने बॉक्सिंग जब शुरुआत की, आप ओलंपिक गए, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, तमाम आपका इंटरनेशनल करियर, हमने भी आपको कई बार देखा कि आप वो जो सूट होता है उसको डालकर रनिंग कर रहे हो, पसीना बहाया, मैं उस हॉल में देखा है, ये वेट मेंटेन करना तो प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो सारी जिम्मेदारी तो होती तो प्लेयर की है, लेकिन जो कोचिज हैं या फिर स्पोर्टिंग स्टाफ है वो सिर्फ मदद करने के लिए होता है कि किस तरीके से उसकी हेल्प की जा सकती है। दूसरा, इस लेवल पे पहुंचने के बाद जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो भी प्लेयर के अनुसार ही चलता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा है तो भाई किस तरीके से उसकी एक्टिविटीज रहेगी प्लेयर की, उसके अकॉर्डिंग जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो करता है। जो स्टाफ है उसके अंगेश नहीं जा सकता, वो एडवाइस दे सकता है सिर्फ। करना प्लेयर ने होता भाई सारी जिम्मेदारी प्लेयर की है, जो मेडल मिलेगा या मेडल जीतेगा आदमी या कोई भी होगा वो उसका होगा, तो सारा सारा सपोर्ट उसी मेडल के लिए होता है, उस जीत के लिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके अनुसार ही चलना पड़ता है, क्योंकि वो लास्ट एज होती है ऐसी कि हर कोई ये चाहता है किस तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी प्लेयर है वो कंफर्टेबल रहे, ताकि वो अच्छी अचीवमेंट दे, अच्छा फाइट लड़ सके, जीत सके। विनेश ने जी तोड़ मेहनत की वेट कम करने की, साइकिलिंग, सोना बाथ, खून तक निकाला गया, मतलब ये हालत आ गई थी कि बस अगर कुछ और तैयारी करते तो शायद विनेश वहीं गिर पड़ती, वेट भी ना होता। ये सारी सिचुएशन प्लेयर को झेलनी पड़ती है, तैयारी तो विनेश ने पूरी की थी। आपको क्या लगता है, इतना एक्सपीरियंस आपके पास है, विनेश को आप जानते भी हो, आपके मित्र भी रहे हैं कहीं बड़े बड़े रेसलर, चाहे वो सुशील हो, चाहे वो योगेश्वर हो, या और भी कई खिलाड़ी, इस सिचुएशन में क्या सही था, क्या रहा? भाई जैसे आप कह रहे हो खून निकाला गया, ये सब चीजें तो मैंने देखी नहीं कभी किसी की कि वेट मेंटेन करने के लिए खून निकाला गया, बाल काट दिए गए। मैं तो भाई ऐसे ही रहता था, इसका मतलब फिर तो बाल बढ़ने, मतलब फिर तो मेरा वेट ही नहीं बढ़ना चाहिए था। ये मूर्खपूर्ण कई लोग जो रियल में जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स किया ही नहीं, वो ड्रामे कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। एक तो ये सोशल नेटवर्किंग ऐसी हो गई है, जो देखे जो नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, लाइक जिन्होंने कभी ग्राउंड में जाके ढंग से मेहनत नहीं की, ग्राउंड क्या होता है किस तरीके है, फिर आप खुद सोचो, रात भर जागना, भूखे पेट, पानी पे कंट्रोल, और उसके बाद जो मेंटली प्रेशर कि बाउट लड़नी है, मुझे जीतना है, वो प्लानिंग करना, ये सब चीजें करना, वो अकेला वही सहता है। या फिर कुछ एक लोग जो भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उनको चिंता होती है और किसी को नहीं होती है। ये ड्रामे हैं बड़े बड़े, और मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं लगभग इसलिए मना करता रहता हूँ, भाई मैं किसी के साथ नहीं बात करना चाहता। कारण यही है कि एक तो एडिटिंग का जमाना हो गया है, कुछ मैं कहना चाहूंगा वो उठा के वही चेप देंगे, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से ऐसे उसने कहा। तो बेटर यही है, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि भाई ज्यादा ज्ञान मत बांटो, ठीक है। वो बहुत एक्सपीरियंस थी, वो खुद चाहती थी इस चीज के लिए कि भाई मेडल आए, ये सलाह मत दो कि खून निकाल लेती हूँ, बाल काट लेती, यार कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे, बाल काट लेती, ये था वो था। असली सिचुएशन उस प्लेयर को पता होती है, या फिर जो उसके साथ कोचिज कहूंगा, या फिर जो स्पोर्टिंग स्टाफ, जिसने उस एक अटैचमेंट हो जाती है, एक टीम होती है पूरी पूरी एक टीम होती है। मैं अटैचमेंट की बात करूं तो मुझे वो कोच दिखाई दे रहा था, हालांकि मैं फॉरनर कोचिज लाइक नहीं करता ज्यादा, मुझे वो फॉरनर कोचिज दिखाई दे रहा था। मैंने तो जो लाइव देखा था उस टाइम टीवी में देख रहा, जो विनेश फोगाट जीती थी उसकी आंखों में पानी था, है ना। मतलब
ज्यादा जो ये जो फॉरेनर होते हैं ज्यादा सेंटी नहीं होते, लेकिन वो भावनाएं जुड़ रही थी, इमोशन, हाँ इमोशन, या तो उसको दर्द होता है या फिर प्लेयर को होता है, उसके बाद कुछ ही नहीं है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप बीजिंग ओलंपिक गए, आपकी दो इंजरी आज तक मैं सही हूं तो रिस्ट ऑपरेशन हो चुके थे, सर्जरी, और ओलंपिक क्वालिफाई करने से पहले आपने क्वालिफाइंग जो दौर था क्वालिफिकेशन के लिए जब आप जा रहे थे कोटा के लिए, तो आपने एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट को हराया था। बिल्कुल, थाईलैंड के अंदर सेकंड क्वालिफाई था बीजिंग के लिए, और वहां मैंने फाइनल में ओलंपिक एथेंस ओलंपिक का जो सिल्वर मेडलिस्ट था उसको हराया था। इसमें खास बात यह थी कि उससे पहले मेरी एक सर्जरी हुई थी रिस्ट की, और डॉक्टर दिनसा पाडेवाला जो कि टीम के साथ गए हुए हैं, उनके द्वारा ही मेरी रिस्ट की सर्जरी हुई थी, फर्स्ट सर्जरी। और मुझे वो टाइम भी याद है कि काफी मोटिवेट किया था उन्होंने भी, साथ में मेरे साथ हीथ मैथ्यू हुआ करता फिजियोथेरेपिस्ट, एक मित्तल चैंपियन ट्रस्ट थी उसके थ्रू ये सब चीजें हो पाई थी, और मित्तल चैंपियन ट्रस्ट की उस टाइम मनीषा मल्होत्रा जो खुद भी एशियन गेम की सिल्वर मेडलिस्ट टेनिस में और ओलंपियन थी सिडनी ओलंपिक की, उन्होंने पूरा ध्यान रखा मेरा, और जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई कर पाया। डिजायर मेरी थी, साथ उन्होंने दिया तो और मैं करता चला गया। वही हालात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से अगर वेट, क्योंकि रेसलिंग में क्या कि एक बार वेट सुबह होता है फिर अगले दिन सुबह वेट होता है अगर आप मेडल टैली में हो, बॉक्सिंग में भी वेट कैटेगरी है, दोनों ये ऐसे इवेंट है जिसमें वेट मेंटेन करना होता है। आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिस तरह से कि आपको बाउट से पहले इस तरह की कवायद करनी पड़ी हो, रात भर मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। जितने भी मतलब मेरे हिसाब से वर्ल्ड में खिलाड़ी हैं लगभग जिसमें वेट मेंटेन का, खाली बॉक्सिंग और रेसलिंग ही नहीं है, जूडो है, इवन अगर हमारे देश के अंदर कबड्डी ज्यादा प्रचलित है उसमें भी एक लिमिट है कि इतनी वेट कैटेगरी होनी चाहिए, और भी कई हैं, जैसे अगर हम बात करें घुड़सवारी की तो जॉकी वगैरह होते हैं जो वो भी अपना काफी वेट मेंटेन करते हैं। देखा मुझे कई स्पोर्ट्स की नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है, आपको अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में खेलना चाहोगे, मेरी अचीवमेंट किस में अच्छी आएगी, साथ में जो कोचिज है या आपका पर्सनल स्टाफ है वो एडवाइज करे, लेकिन आफ्टर ऑल चलती किसकी है, जो खिलाड़ी है, पेन सारा किसको लेना है, खिलाड़ी को लेना है। कोचिज हैं जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो तो सिर्फ हेल्प करने के लिए होते हैं, और जो सिचुएशन की बात कर रहे हो मेरे साथ तो कई बार हुई है ऐसी, आप शेयर कीजिए, वही मैं पूछना लंदन ओलंपिक की जो ट्रायल थी पटियाला में हुई थी, उस दौरान मैं वर्ल्ड सीरीज ऑफ बॉक्सिंग के लिए चला गया था पुणे, वहां 60 kg में था मैं, और इधर 56 लेके आना था, तो मैं वेट मेंटेन नहीं कर पाया था उस दौरान। जैसे हर एक चीज अप्लाई की, रनिंग, सोना बात, इवन मैं बहुत ज्यादा चिल्ड हो गया था, मतलब पूरी बॉडी बहुत ठंडी हो गई थी मेरी। भाई देसी आदमी तो देसी तरीके से बता पाऊंगा, अपने पास था वो टेक्निकल वर्ड नहीं होते, यू नो आई थिंक आप समझ रहे हो तो बहुत बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी मुझे, और उस टाइम काफ में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं वेट मेंटेन नहीं कर पाया था। जो सिचुएशन आती है ना, जैसे हम डिहाइड्रेट करते हैं बॉडी को, कई लोग बोल रहे हैं कि बाल कटवा लेते, ऐसा कर लेते, हर कोई चाहता है, कोई भी खिलाड़ी इस लेवल पे जाकर हारने की नहीं सोचता, उसको एक ही चीज दिखाई देती है, मेडल। मेडल के लिए पूरी लाइफ लगा देता है कि भाई हाँ यार मुझे चाहिए, और जब मैं कोशिश कर रहा था जब वेट मेंटेन नहीं कर पाया तो मतलब मैं भी बाहर हो गया था। अब सवाल, जब शुरू में बाघ खबर आई थी तो सबने अपने अपनी एक्सपर्टीज दी जिसको जितना पता था। देखिए ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में एक रूल फॉलो करना पड़ता सभी को, तो ये जो 100 ग्राम वाला वजन तो वजन है, इसमें बड़ा बवाल हुआ, आपने ओलंपिक खेला, आपने इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले, नियम में आपको लगता है कि नियम में बदलाव होना चाहिए या ये कर पाएंगे इंटरनेशनल ओलंपिक या इस तरीके? आप अपील दाखिल की हुई है आर्बिट्रेशन में, हालांकि जो आप कहना चाह रहे हो ऐसा तो है नहीं कि वो रूल सिर्फ भारतीयों के लिए है और खिलाड़ियों के लिए नहीं है, बस फिर खत्म। जब खिलाड़ियों के लिए सभी देशवासियों मतलब जो अदर कंट्री है उनके ऊपर भी लागू हो रहा है तो ये मूर्खतापूर्ण बयान क्यों दिए जा रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक बात कहूँ, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये इंस्टाग्राम इन्हें बंद करवा देनी चाहिए, अजीब अजीब से लोग हैं, हम लोग भी टाइम पास करते स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं कोई रील बना के भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो ड्रामेबाजी, जो कभी ग्राउंड पे गए ही नहीं हुए,
है ना। क्योंकि ये डिमांड आई कि 100 ग्राम वजन के पीछे खिलाड़ी की मेहनत रह गई, लेकिन वो नियम तो सभी के लिए है। ये हमने भी कहा, जो ओलंपिक में जिसने मेडल जीता यूएसए की खिलाड़ी, उसका भी वजन हुआ है, जो इस बाउट है सबकी हुई है। लेकिन हम भावनात्मक रूप से जिसको सोचते हैं कि विनेश के साथ भावनाएं जुड़ी हैं, इतनी मेहनत है, लगातार बाउट सभी के साथ है, तो क्या आपको लगता है कि ओलंपिक एसोसिएशन या ये यूडब्ल्यूडब्ल्यू या फेडरेशन इस बारे में आगे सोचेंगे? क्यों सोचें, वो एक बात बताओ, क्यों सोचें? सबके लिए नियम लागू है। अगर और कितने खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए वेट के लिए? अच्छा, एक सवाल और आ गया। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि पहली बाउट से लेके सेमीफाइनल तक वो सही वेट थी, फाइनल में हुआ तो उनको उसका, यानी कि जहां तक वो खेली है वहां तक तो मिलना चाहिए, सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट डिजर्व करती है वो। 2002 में ना कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे मैनचेस्टर के अंदर, और मैं 51 kg में खेलता था, तो मुझे फेडरेशन के अधिकारी ने कहा, खेल उस टाइम ना बुल्गारियन कोच होता था टीम के साथ, तो मुझे ये कहा गया कि अगर, मतलब सजेशन दिया गया कि अगर अखिल 48 kg लेके आ जाए वेट, क्योंकि मैंने 48 kg से स्टार्ट किया था खेलना, सीनियर का पहला मुकाबला मैंने 48 में स्टार्ट किया था, तो अखिल कॉमनवेल्थ गेम्स का चैंपियन हो सकता है, जो उन दिनों की बात है, बहुत तो को याद भी नहीं होगी, लेकिन जो मेरी और चीफ, मतलब जो बुल्गारियन कोच थे, पीटर वगैरह नाम था उसका, पूरा नाम तो भाई ध्यान नहीं, पर पीटर जरूर कहते थे, और सिलारू की बात है, वर्किंग प्रेसिडेंट होते थे हमारे आईपीएस आरएस दलाल, तो उन्होंने मिलकर मुझे ये कन्विंस किया था कि अगर आप वेट ले आते हो तो आपको चांस मिलेगा। ट्रायल हुई, सब कुछ हुआ, तो 48 के लिए मुझे जब कहा गया, तो मेरे लिए भेजा गया जो क्या बोलते हैं भाई उसको, जो फिजियो लाइक फिजियोलॉजी वाले, तो उन्होंने मेरे एंकल उंकल सब कुछ नापे, अखिल का तो वजन ही नहीं आ सकता, 48 kg नहीं ला सकता, क्योंकि हाइट 168 है और 51 में खेलता है, खेलने के लिए भी वो वेट मेंटेन करता है। उसके बाद जब मुझे कमिट किया गया तो मैंने हाँ की, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है ना वो मेडिकल की उससे ना परे हो जाता है, नॉर्मल इंसान से ऊपर उठ जाता है कि, और वहां पे मुझे आज भी याद है, मैं सिलारू से लेके नारकंडा वाला रोड था हमारे, वहां से मैं डेली सुबह शाम रनिंग करता था, साथ में पूरी ट्रेनिंग करता, डिहाइड्रेट करता, तो मैं जो फिजियोलॉजी ने कहा था बिना मेडिसिन के अखिल अपना वेट नहीं ला सकता, मैंने विदाउट कोई मेडिसिन लिए, वही अपना देसी, उस टाइम तो इतनी वो नॉलेज भी नहीं होती, ट्रेनिंग के बेस पर ट्रेनिंग, बस वो नींबू पानी वही चलता था भाई, सोया दाल लिया, वो देसी काम था, अपना डिहाइड्रेट करते तो भगवान का नाम लेते थे। जब मैं वो वेट लेके आया, ट्रायल दी मैंने, सारी चीजें की, तो मुझे कहा गया कि अखिल को टेस्ट किया जाए, और फिलीपाइंस में एशियन चैंपियनशिप थी, फिलीपाइंस में ही एशियन चैंपियनशिप थी 2002 की, और मैं पहली बाउट हार गया था, फिलीपाइंस या मलेशिया ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैं पहली बाउट हार गया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट था आई थिंक, या एशियन गेम का कुछ ऐसा। उसके बाद मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार तो मैं वेट ले आया जैसे आपने कहा, लेकिन उसके बाद वेट जंप मारता है, जो स्पंज नहीं होता जैसे पानी सोख लेता है, तो जैसे ही मैंने वेट कम किया उसके बाद आदमी सोचता है यार अभी तो काफी दिन है, और जैसे ही हम इनटेक करते हैं कोई भी चीज, तो जो आते होती है हमारी उतना काम नहीं कर पाती, वॉमिटिंग ये सब चीजें, तो उसको ठीक करने के लिए भाई धीरे 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 वहां तक पहुंचा। जब वहां पहुंचा मैं एशियन चैंपियनशिप में, तब मुझे बड़ी डिफिकल्टी आई इस चीज की, तो मुझे आज भी एहसास है उस चीज का कि वो पेन, रात भर ना सोना, खेलना, और किसी को हम ये भी नहीं कह सकते कि हम क्या है, ऊपर से ड्रॉ की चिंता, उसके बाद ये है कि अगर आप हार गए तो क्या होगा, तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता। जो बाहर बैठे हैं, जो हवाबाजी और ड्रामे करते हैं कि ये कर देना था, वो कर देना था, कभी खुद ग्राउंड पे जाके देखो जो पता लगता है। कई बार तो दिल करता है यार तू सामने, या फिर बात करते, या फिर रिंग में, या फिर आप मैट पे जाके करके तो देखो कितना पेन होता है। तो वो सब चीजें मैंने भी सही है, देखा है ये सब चीज। जो रियल आपने फेस किया वो आप जानते हैं। सवाल एक लास्ट मैं ये पूछूंगा अखिल के, अब जो अपील फाइल की गई है आर्बिट्रेशन में कि सिल्वर मेडल दिया जाए, सारी दुनिया उम्मीद भी कर रही है, आर्बिट्रेशन एक सबका आपको पता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, आपको क्या लगता है जितना आपका एक्सपीरियंस है, क्या वो, क्योंकि वो भी रूल देखेंगे, भगवान करे ऐसा संभव हो पाए,
कि इंडिया के नाम सिल्वर मेडल हो जाए, लेकिन मैंने जैसे शुरू में ही कहा जो नियम है, नियमों को एक के लिए कैसे तोड़ा जा सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है कि एक एथलीट के लिए पूरे नियमों को बदला जा सके। हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे पक्ष में आ जाए। विनेश की जो मेहनत है उस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से उसने मेहनत की? मेहनत की जो उसकी अचीवमेंट है वो हमेशा याद रहेगी, और इसके अलावा तो मैं क्या बोलूं कि इसको कैसे देखें क्या करें। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी आदत सी भी नहीं है कि मैं जबरदस्ती अपना ज्ञान बांटूं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। वो खुद इतनी बड़ी खिलाड़ी, उसके साथ भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। मैं तो यही कहूंगा परमात्मा को जरूर याद रखे, प्राणायाम का सहारा ले, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताए, बहुत कुछ अचीव करा है, भगवान करे उसको और अचीवमेंट मिले।